नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं लिनक्स एंड AWS ट्यूटोरियल। आज की लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे हाउ टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, सेकंड इज हाउ टू कॉपी अ फाइल, थर्ड इज हाउ टू कट एंड पेस्ट अ फाइल, फोर्थ इज हाउ टू रीनेम फाइल एंड डायरेक्टरी, फिफ्थ इज हाउ टू क्रिएट अ हिडन फाइल एंड डायरेक्टरी। फर्स्टली हम देखेंगे डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स में। बेसिकली हम विंडोज में क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं, बट लिनक्स में हम उस फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो आइए चलते अपने टर्मिनल पे और देखते कैसे क्रिएट किया जा सकता है। लिनक्स में हम इसे डायरेक्टरी बोलते हैं बट विंडो में हम इसे फोल्डर बोलते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं बट फाइल के अंदर फाइल हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी वर्ड फाइल या टेक्स्ट फाइल पे लिखते हो तो उसके अंदर आप टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट को जोड़ सकते हो बट उसकी अंदर फाइल आप नहीं बना सकते। लेकिन डायरेक्टरी के अंदर आप डायरेक्टरी मतलब फोल्डर के अंदर आप फोल्डर बना सकते हो। तो आइए चलते अपने mkdir वन से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। देन एंटर करने के बाद मेरा एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है। तो ls करके आप चेक करें कि आपका डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये आपका dir1 क्रिएट हो चुका है। देन अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी करना हो, अगर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर आपको क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे आप, आइए चलते हैं इस कमांड पे mkdir देन dir2 देन / dir3 / फॉरवर्ड / dir4 फॉरवर्ड / dir5 फॉरवर्ड / इसका मतलब रूट नहीं होता है, ये सेपरेशन मीन्स डिवाइड के काम में आता है। अगर यहाँ मैं स्पेस लगा दूँ तो ये डायरेक्ट रूट में सेव होगा, अगर स्पेस नहीं दूँ तो ये सेपरेशन के काम में आता है। अगर मैं इसे एंटर करता हूँ, जब मैं एंटर करने के बाद आपको ऐसा एरर आए तो इसका रिजोल्यूशन यही है कि जब आप डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनाते हैं मतलब आप पेरेंट्स फाइल बनाते हैं, तो आप हाइफन पी लगा दें तो आपके पेरेंट्स फाइल जो होते हैं मतलब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी वो क्रिएट हो जाएंगे। एंटर करने के बाद ls करके आप देखें dir2 बन चुका है, dir डायरेक्टरी 2 के नाम से आपका यहाँ फोल्डर क्रिएट हो गया है। आप cd करके cd कमांड से होता है cd से आप dir2 के अंदर जाएं, देन ls करें, आप देख सकते हैं dir3 है, देन cd करके dir4 जाएं, ls करें dir3 है, ओके cd करके dir3 के अंदर जाएं, फिर cd करके dir4 के अंदर जाएं, cd करके dir5 के अंदर जाएं। आप यहां जाके pwd करके अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक कर सकते हैं कि आप कहां पे हो। आप रूट डायरेक्टरी से चले थे, फिर डायरेक्टरी 2 में आए, फिर डायरेक्टरी 3 में आए, फिर डायरेक्टरी 4 में आए, डायरेक्टरी 5 में आए। अगर आपको रूट आप अभी रूट मान लो कि आप अभी रूट पे हो और आपको डायरेक्ट डायरेक्टरी 5 पे आना हो तो आप कैसे आओगे, तो आप cd करके रूट पे आओ। आपको एक कमांड आती है dir2 देन dir3 देन dir4 देन dir5, अब नहीं है बस dir5 तक ही था मेरा, आप डायरेक्ट dir5 में आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको अगर dir5 के बाद अगर आपको dir2 में जानी है मतलब आपको पता है कि आपको दो डायरेक्टरी आपको दो फोल्डर बैक जानी है तो एक और कमांड्स आती है dir://, देन एंटर करें, आप डायरेक्ट dir3 में पहुँच जाएंगे। cd करके ; करें, आप dir2 में पहुँच जाएं। अगर आप cd करके डायरेक्ट एंटर करते हो तो आप कहीं भी हो, अपने pwd अपने जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी पे हो डायरेक्ट आप रूट डायरेक्टरी पे आ जाओगे। तो ये तो रहा फाइल क्रिएट करना, कैसे हम बैक आते हैं, कैसे वन बाई वन आते हैं। वन बाई वन भी आने के लिए आप ऐसे कर लो, अपर एरो दबा के आप 5 में जाओ, देन cd करके ; करोगे। ; का मतलब होता है कि अपने पेरेंट डायरेक्टरी के
अंदर ही आप बैक सिंगल बैक होते हो, तो आप सिंगल बैक हो जाओगे। तो सीडी के बाद /// आप डायरेक्टरी बैक आओगे, आप डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में आ गए। तो यहाँ PWD करो, आप डायरेक्ट रूट डायरेक्टरी में हो। तो ये तो रहा हाउ टू क्रिएट फाइल एंड हाउ टू आउटसाइड द डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी के बाहर कैसे जा सकते हैं, आप डायरेक्टरी चेंज कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए हिडन फाइल और डायरेक्टरी। हिडन मीन्स क्या होता है? हिडन मतलब डिलीट तो नहीं होता है, हिडन मतलब होता है कि किसी भी फाइल को छिपा देना। तो बेसिकली विंडोज़ में क्या होता है, विंडोज़ में क्या होता है कि कोई भी फाइल जो होता है वो हिडन इसलिए होता है कि वो गलती से ह्यूमन एरर के चलते वो डिलीट ना हो जाए, जिससे बूटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो। यही कारण है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं। लोग सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, कुछ अपने फाइलों को हिडन कर लेते हैं, बट रीजन फैक्ट ये है कि वो कुछ ऐसी फाइलें हैं जो हिडन है, जो ह्यूमन एरर के चलते वो डिलीट ना हो जाए, जिससे बूटिंग में प्रॉब्लम ना हो, बूटिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम ना हो। देन वैसे ही लाइनक्स में क्या करते हैं, लाइनक्स में हिडन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं अपने टर्मिनल पे। टच कमांड से हिडन फाइल क्रिएट करते हैं, तो टच कमांड डॉट फाइल, आप कोई भी फाइल ले लो। डॉट मींस क्या होता है, डॉट आप कहीं भी लगा दे, डॉट किसी भी फाइल के आगे आप डॉट लगा दे तो फाइल हिडन हो जाता है। आप एंटर करो, देन ls करो, देन आपको दिखेगा नहीं कि ये फाइल 8 नाम से कोई एम्प्टी फाइल बना हुआ है। तो देन आपको मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, हिडन फाइल चेक करने के लिए एक कमांड आती है ls-a, ls मतलब लॉन्ग, ls-a, देन आप एंटर करो, आपको दिखेगा यहाँ फाइल 8 के नाम से मैंने यहाँ बनाया है। ये तो रहा फाइल कैसे, हिडन फाइल कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं हम डायरेक्टरी हिडन कैसे करते हैं। mkdir कमांड से डॉट, आपको jack7 के नाम से मैंने एक हिडन फाइल बनाया, ls-a किया, देन आप चेक कर सकते हैं कि मैंने jack7 के नाम से मैंने एक हिडन फाइल क्रिएट किया। तो ये तो रहा हम कैसे फाइल को हिडन करते हैं, किसी भी फाइल को। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस पे, आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चंस पे, हाउ टू कॉपी अ फाइल। तो सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, उस फाइल के अंदर कुछ लिख लेते हैं, देन फाइल टू बनाते हैं, देन हम फाइल वन को फाइल टू में कॉपी करेंगे। हाउ टू कॉपी अ फाइल करेंगे, कैसे हम ये फाइल वन को फाइल टू में कॉपी करेंगे, मतलब फाइल वन हमारा सोर्स होगा, डेस्टिनेशन हमारा फाइल टू होगा। तो फाइल वन के लिए, मतलब फाइल वन को हम फाइल टू में कॉपी करेंगे, तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा ना, हमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़े। तो हम कैट कमांड से फाइल वन में कुछ लिख लेते हैं, कैट फाइल वन ग्रेटर देन लगाएंगे, देन PWD इज ए मोस्ट पावरफुल कमांड इन लाइनक्स। ओके, देन एंटर करेंगे, कंट्रोल डी दबाएंगे, ls करके आप देखें फाइल वन, कैट करके फाइल वन को रीड करें, आपका PW इज मोस्ट पावरफुल कमांड है ना वो लाइनक्स। ओके, देन ये मेरा फाइल वन हुआ। देन एक और टच कमांड से, टच कमांड मतलब आपको पता ही होगा कि टच कमांड से ओनली एम्प्टी फाइल क्रिएट होता है। फाइल टू के नाम से मैं एक फाइल क्रिएट किया, ls किया, फाइल वन फाइल टू के नाम से मैंने क्रिएट कर। अब एक कमांड आता है cp कमांड। सीपी कमांड से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी फाइल को हम कॉपी कर सकते हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे। ओके, तो सीपी कमांड, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि हम सीपी कमांड के बाद सोर्स फाइल को फर्स्ट रखते हैं, देन डेस्टिनेशन फाइल को सेकंड रखते हैं।
तो सोर्स फाइल हमारा फाइल वन था, मुझे फाइल वन को फाइल टू में कॉपी करना है ना, मतलब मेरा फाइल वन में डेटा है, फाइल टू मेरा एम्प्टी है, मुझे फाइल वन को फाइल टू में रखना है, मेरा फाइल टू एम्प्टी है, देन कॉपी डेस्टिनेशन फाइल को, मुझे डेस्टिनेशन फाइल मेरा, डेस्टिनेशन फाइल मेरा टू है, ओके, देन एंटर करें, यस, देन एंटर, कैट कमांड, फाइल टू को हम रीड करेंगे, आप देख सकते हैं कि मेरा PWD इज अ मोस्ट पावरफुल कमांड यहाँ आ चुका है। ये तो रहा हाउ टू कॉपी योर फाइल सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये कॉपी कैसे करते हैं ये आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ टू कट एंड पेस्ट फाइल, ओके। अब हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फाइल वन एंड फाइल टू नाम से ऑलरेडी फाइल बन चुका है, देन हम क्या करेंगे, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, उस डायरेक्टरी में हम क्या करेंगे, फाइल वन या फाइल टू जो भी है उसे कट करेंगे और डायरेक्टरी टू में पेस्ट कर देंगे, ओके। तो आइए चलते हैं एम के डी आई आर, डी आई आर वन से हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। एक कमांड आता है MV कमांड, मूव कमांड, मूव कमांड, देन जिस फाइल को आपको कट करना है, फाइल वन को मुझे कट करना है और पेस्ट जहां भी करना है आपको, DIR1 में पेस्ट करना है, आप LS करके आप एंटर करें, CD करके डायरेक्टरी के अंदर आए, देन कैट करके आप फाइल को रीड करें, आप देख सकते हैं कि PWD इज मोस्ट पावरफुल कमांड इज लाइनक्स, ओके। तो ये तो रहा हाउ टू कट एंड पेस्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा। हिस्ट्री करके मैं चेक करूंगा, तो हमने यहाँ पे जो कमांड चलाया था, हमने क्या किया था, mkdir करके एक डायरेक्टरी बनाया, देन जिस फाइल को हमें कट करना है उस मूव कमांड के साथ और जहाँ डेस्टिनेशन मुझे डालना है, पेस्ट करना है, ये कमांड इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कमांड, देन ये कमांड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हाउ टू रीनेम फाइल, ओके। हाउ टू रीनेम फाइल कैसे कर सकते हैं हम, ls करें, ls करके आप फाइल टू का, ls करके बाहर आए, ls करके आप देखें क्या क्या आपके आपने बनाया। आइए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, हाउ टू रीनेम अ फाइल, आप रीनेम करना, आपको अगर रीनेम करना है फाइल को तो ls करें, ls करके आपको, अगर मान लीजिए आपके फाइल फाइल टू है, इसे आपको चेंज करना है, आपको अपना फाइल टू का टू को रीनेम करना है, देन आप एक कमांड आता है mb, देन जिस फाइल को आप, आपका ओल्ड नेम है, जैसे आपका फाइल टू है उस, देन आपको जो नाम चेंज करना है आप वो नाम लिख सकते हैं, माई फाइल के नाम से भी लिख सकते हैं, एंटर करें, देन ls करें, आपका माई माई फाइल के नाम से आपका चेंज हो गया। तो ये तो रहा हाउ टू रीनेम अ फाइल, ओके। नेक्स्ट क्लास में आपको मैंने बता दिया था कि कैसे आपको डिलीट करना है, कैसे